अबे नीचे तो उतर गए, ऊपर कैसे जाओगे अब दोबारा? आपके तो घुटनों का मुझे लग रहा है ग्रेस भी खत्म हो गया। जैसे तो सब आप ही को देख रहे हैं, मम्मी चढ़ जाओगे ना सीढ़ी वापस? हाँ हाँ चढ़ना तो पड़ेगा बेटा, जब तू ला रहे तो चढ़ना तो पड़ेगा छतरी में। अच्छा वहाँ पर बैठ के खरीदी क्या? बस ये तो बढ़िया लग रहा है यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और यार पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी चैनल पे। यार मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल ईयर MBBS, तो बहुत टफ है। और ऊपर से मेरे अब भी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हुए, अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, उसकी तैयारी चल रही है। तो इसी बीच में मुझे मौका मिला अपने गाँव जाने का देवप्रयाग, क्योंकि वहाँ थे उद्यापन, दो दो उद्यापन अटेंड करने थे मम्मी को। मैंने कहा चलो मेरे एग्ज़ाम्स भी अभी अभी ख़त्म हुए प्री यूनिवर्सिटी, लेके चलता हूँ, इसी बहाने मेरा भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। और वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर भैया, तो मैंने कहा वहाँ पे भी मांग के आ जाता हूँ थोड़ा सा कि यार मुझे पास करवा देना एग्ज़ाम्स में, डर तो लगता ही है। तो इस बहाने भी चले गया और वही संगम देखने का बहुत टाइम से मन कर रहा था, गांव घूम के आए नहीं थे, भागीरथी अलकनंदा का संगम। मैंने कहा चलो वहाँ भी थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, अपना स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, मम्मी का काम भी हो जाएगा और वापस आ जाएंगे। टूट गया कैसे करके? अच्छा देहरादून बसने की वजह से टूटा। नानी तो ऊपर है। अबे नीचे तो उतर गए, ऊपर कैसे जाओगे अब दोबारा? आपके तो घुटनों का मुझे लग रहा है ग्रेस भी खत्म हो गया, घुटनों का ग्रीस भी खत्म हो गया। तो देहरादून से देवप्रयाग हम सीधा उद्यापन में गए और कहीं नहीं गए, उद्यापन अटेंड किया हमने दोनों। और उसके बाद टाइम बचा था तो हमने कहा अब अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उनके घरों में जाके थोड़ा परेशान करते उन्हें। फिर हम अपने सारे रिश्तेदारों के घर गए, उनसे बातचीत करी, उसके बाद भी टाइम बचा था। मैंने कहा चलो यार यहाँ से पास ही है धारी देवी, लगता है बुलावा आया है, तो धारी देवी चले गए मैं मम्मी को लेके। मैंने कहा इसी बहाने मम्मी भी खुश हो जाएगी और देहरादून आके थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा मुझे एक्स्ट्रा मम्मी की खुशी की वजह से। तो मैंने कहा चलो मैं ज़बरदस्ती मम्मी को बिठा के ले गया, मैंने कहा चलो आज तो धारी देवी के दर्शन करा के ले आता हूँ आपको, इसी बहाने अपना भी फ़ायदा बन जाएगा। और रघुनाथ जी पे तो मैंने पास होने के लिए पूछ ही लिया था, तो मैंने कहा अब धारी देवी से भी बोल देता हूँ, दो दो से सिफारिश लगा दूंगा तो आराम से पास हो जाऊँगा। थोड़ा सा नीचे करना, सर नीचे करो। मंदिर में रिकॉर्डिंग करना, देखा नहीं था आपने क्या लिखा हुआ था? मना है ना, ये बच्चे के लिए बनो ना। अरे वो तो वहीं अंदर के, पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जब ऐसे मना करा हुआ रहता है हाँ, तो नहीं करी हर जगह वहाँ से लाइव चलता रहता है और फिर बोलते हैं कि खींचना मना है कोई। हाँ। अगर अपने संतुष्टि के लिए अपने फोन में खींच रहा तो क्या दिक्कत उसमें, पता नहीं। वहाँ तो दसियों लोगों ने खोल रखा था अपना कैमरा, पर छोड़ो ना क्या रिकॉर्ड करना है यार, अपनी आंखों से देख लिया उतना काफी है। और क्या, पर अगर हम सुबह आते ना तो ज्यादा बढ़िया लगता, पता है सुबह आते ना बहुत बढ़िया लगता। सुबह आते तो फिर वहाँ कैसे रहता, फिर वो बढ़िया लग रहा पुल ना वहाँ जाने का उसका। अब वो झूला पुल कौन सा है? वो झूला पुल वो आगे जा रहा है ना सीधे सीधे। अच्छा उधर गांव की तरफ। हाँ हाँ मंदिर के प्यारा लग रहा, मंदिर तो प्यारा है ही, मूर्ति भी मनमोहक है भाई, मूर्ति नहीं है बड़ी प्यारी। मजा आ गया ना, मतलब आपको है ना मजा आ गया ना, मैंने कहा आपको बड़ी प्यारी मूर्ति। तो फिर देहरादून पहुँच के मुझे 5,000 रुपये दोगे ना? अब भी ले ले घुमाने के, अब भी ले ले। आहा मजा आ रहा है मंदिर देख के, बहुत प्यारा बना है ना। जब भी भगवान के अगर सही दर्शन करने हो रात में आओ। हाँ वैसे ये है भीड़ 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 नहीं रहती, आराम से हो जाता है। अब टुप टुप कमरा लेना, छोटे छोटे खाना खाना सिए जाना, छुट्ट चल जाला, छुट्ट सिए जाला, मजा आ गया। वो देव था लोग पार बिटी है ना, वो आरती करने चल गए ना। अच्छा उन्हें गांव का लोग बोला नहीं, दुकान उकान वो तो है ही, उनका ही होगा। वैसे सही है रात में कोई भीड़ नहीं थी, वहां हाँ। करके आराम से देखो दाको माँ की मूर्ति एकदम पास से देख ली ना, और क्या मजे से। वैसे भी भीड़ में दिखती भी नहीं है, थकान हो गई।
चढ़ाई हो गई थकान हो गई। वापस देवप्रयाग नहीं जाना क्या? ना ना एक रहो ना, छोड़ सुबह जा ले। चलो ठीक है, इन पे भी सौंदर्यकरण कर देते ना, ये जो चीज है ना। इंसानों का क्या करोगे, सब पे सौंदर्यकरण कर दोगे, इंसान तो ऐसे ही रहेगा, सब चीजों को खराब करने के लिए। सबों का उद्यापन होना, क्या कुछ होना, क्या कुछ होना, माँ का दर्शन कह गया जाना। और क्या है भाई, अच्छे दिन उद्यापन मतलब क्या होता है, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। मैया की शादी करते हैं। किससे? सालिक राम से। क्यों? वीडियो बंद हो गई आधे में। क्यों? क्योंकि मैंने गलती से बटन दबा दिया। कुछ खाओगे पियोगे? खाना नहीं है, तब खाना खाएंगे यहाँ पे। हाँ और क्या, ये फास्ट फूड लिया है इसको। चलो कमरे का भी देखते हैं। ये मैंने कहा ये मकान ऐसे खंडर पड़ा हुआ, इसको बना देते क्या सुंदर, लोग ठहरने के लिए भी हो जाते और बढ़िया। ठेके पे बिक रहा हूँ, लेना है? ठेके पे बिक रहा है, लेना है? ले लेते, देख के तो बड़ा है क्या, प्यारा है। हमसे हो सकता है अच्छे से, क्यों नहीं हो सकता? जिस हिसाब से उसका कचरा हो गया उस हिसाब से बनाया जा सकता था बढ़िया। हाँ टूट रखा है वो ना, वहाँ देख तो हैराम ताले लगे उसमें। तो रात को धारी देवी के दर्शन करने के बाद अब समय हो चुका था रघुनाथ जी के दर्शन करने का, तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल पड़े वापस देवप्रयाग की ओर, और उसके बाद हमें जाना था सीधे देहरादून। तो किनारे जैसे सीढ़ी बहुत टूटी। अरे नहीं गिरता, किनारे मत जा, नहीं गिरता, कितना डरते हो आप। अच्छा ये था स्कूल, माता रानी का मंदिर अभी भी चलता है ये स्कूल? हाँ स्कूल जाने नहीं। मंदिर में घंटियां देखी होंगी, इसका साइज देखो एक बार, इसे तो उठाना भी बहुत मुश्किल है। उठाना गए तो इतना ज्यादा बड़ा घंटा, इसकी वाइब्रेशन इतनी भयंकर होती है क्या बताऊँ। एक बार बजाया अभी तक पूरा वाइब्रेट हो रहा है। आ जाना इधर दिखाती मैं, इधर है पेड़। हाँ चलो ना संगम पे। कहाँ? संगम ना, संगम। अबे कोई कुछ नहीं कह रहा, सूटी तो पहनी है। अबे क्या हो गया तो यार, जैसे तो सब आप ही को देख रहे हैं ना। देख तो क्या रही है ना, पर तो बस चला जा, कोई नहीं पूछ रहा आपको। ज्यादा हो रहा, अपने मुंह पे मास्क लगा के चल लो। मास्क की तो नहीं है, पहचान में भी नहीं आओगे कौन है। मास्क नहीं है ना। अबे यार इतनी दूर आ रखे तो संगम पे तो चल लो, वहाँ उधर वाले मंदिर में भी हो क्या जाएंगे ना। किधर वाले? रघुनाथ जी के मंदिर में तो भोग आता, मतलब ही नहीं यार भोग। अबे भोग नहीं लगाण पोड़ दो। हां नहीं लगाण पोड़ भोग तो खाण पोड़ दो। बर्फ बर्फ होती तो तब बात है ना। अरे है गाड़ी में उसका डिब्बा। हाँ यार सही बोला तूने, वो चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, कल ही तो लिया था, सिंगोरी है उसमें। हाँ बात तो सही है। ये है क्षेत्रपाल मंदिर, ये तो मैंने पहली बार ही देखा यार आज। है ये तो मैंने पहली बार ही देखा। हाँ तो बना ही वो अब ना, हम तो पता नहीं आते ही नहीं है। तो यही हुआ था ना? हाँ जहाँ पे मार कुटाई हो गई थी। मम्मी चढ़ जाओगे ना सीढ़ी वापस? हाँ, हाँ, चढ़ना तो पड़ेगा बेटा, जब तू ला रहे तो चढ़ना तो पड़ेगा, तो जाना तो है ही यार, उसमें क्या है जब इतनी दूर आ रखे। छतरी माँ अच्छा वहाँ पे बैठ के खरीदी क्या था बस? वहाँ पे वो किया था ना, आराम किया था आज। खैर ये पूरा मंदिर ही राम भगवान के, उसको हाँ उसी का है वो। आज तो गाने चल रहे हैं। है? गाने चल रहे, प्रोग्राम हो रहा, प्रोग्राम हो रहा है बच्चों। अरे ये बताया किसने कि वहाँ पे राम भगवान बैठे थे? हाँ वही तो, आजा चल आ। करते क्या थे यहाँ पे? अरे आराम किया होगा उन्होंने थोड़ा सा यहाँ, लेकिन देवरागन सब पोते ले हो नाच पीट ले। आराम किया मतलब कहानी तो ये है कि रावण को मारने के बाद आए थे। हाँ हाँ तो आराम किया होगा थोड़ा यहाँ पे ना। और मम्मी ने तो बना दिया बेवकूफ, मम्मी तो आई नहीं और मैं हूँ संगम पे अकेला। मम्मी ने कहा भाई तू तो जा, मेरी तो पूरी ज़िंदगी पूरा बचपन यहीं पे बीत गया भैया, देवप्रयाग के ही हूँ, तो उनको तो कुछ इतना खास मज़ा आता नहीं। मैंने कहा जब इतना आ रखा हूँ तो आऊँगा ही। मम्मी कह रही भी मेरे से सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाएंगी, तू ही जा गए ना। चलो भाई मैं ही होके आ जाता हूँ, तो मैं तो अकेले अकेले आ गया। अरे कितने सारे कबूतर उड़ रहे,
यार नहाने का बड़ा मन कर रहा है। एक तो मेरे पे कपड़े नहीं है, नहीं तो मैं ठंडे पानी में भी नहा जाता है। नहा सकते हैं यहाँ पे, है वैसे यहाँ पे नहाने के लिए ठीक ठाक, वैसे यहाँ पे बैठ के नहाया जा सकता है। यहाँ पे भी, वहाँ पे भी कमी है, नहा सकते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम से। फ्लो भी बड़ा हल्का है, ऐसे बहने का ऐसा कोई डर नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। चलो मैं भी ऊपर जाता हूँ मम्मी के पास और फिर निकलता हूँ यहाँ से फटाफट वापस देहरादून के लिए। वैसे ही कह रही थी मम्मी कि तू ही क्यों चलेगा, मैं तो नहीं जा रही, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अब वही हो रहा, मुझे अकेले अकेले इतना ऊपर तक जाना पड़ेगा। अब लग रही यार थकान ऊपर जाते हैं, उस टाइम तो लगा क्या हो गया जरा सा तो है, पर अब पता चल रहा बहुत ज़्यादा है। नीचे से ऊपर आने में देर लग गया, अभी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और वो कायाकिंग कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगली वीडियो में।